अगर कोई इकट्ठी मंगवाए तो किराए वाली स्कीम कुछ? दोनों इकट्ठी मंगवाएगा तो मतलब एक साइड का किराया माफ, कहीं ले जाओ तो लगभग लगभग 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक का फ्री किराया? हाँ, फ्री किराया एक साइड का, एक साइड का। हाँ, जैसे मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे घर से मतलब गुड़गांव लगा लो, गुड़गांव 400 किलोमीटर, तो एक साइड का 400 किलोमीटर फ्री है। अच्छा। एक साइड का 400 किलोमीटर का अगला किराया दे देगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप ये भी कह सकते हो 200 किलोमीटर जाना 200 आना। हाँ, वो भी ठीक रहेगा। हाँ, वो भी ठीक है। 200 किलोमीटर आना, 200 जाना, 400 किलोमीटर का किराया फ्री। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने अच्छी और उन्नत क्वालिटी की शानदार दो झोटियां हैं लेकर के हाजिर हुए हैं, और झोटियों की काफ़ी सारी डिमांड रहती है पशुपालकों के बीच में, तो सोचा क्यों ना जो झोटी है फर्स्ट टाइमर झोटी खासकर पशुपालकों को दिखाई जाए। तो आज की स्पेशल वीडियो में एक फर्स्ट टाइमर झोटी, एक सेकेंड टाइमर झोटी, एक के नीचे मेल काफ आपको देखने को मिलेगा तो दूसरी के नीचे फीमेल काफ, और जिस डेयरी फार्म पे खड़े हुए हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे फ्री किराए की बात हो या फिर बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में अच्छी और उत्तम क्वालिटी का पशुधन हो, हर बार हमारे पशुपालकों को उपलब्ध कराया भाई ने। तो आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के गांव गुडाना से लेकर के आए हैं जितेंद्र सांगवान भाई, आप देखिएगा इनके फार्म से। तो आज भी दो झोटियां भाई दिखा रहे हैं, सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे बारीकी से डिटेल जानने का प्रयास। जीतू भाई सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया भाई। कैसा काम चल रहा है आपका? काम धाम बहुत जबरदस्त। पिछली वीडियो काफी प्यार प्रेम दिया भाइयों ने फेसबुक पे, करीब करीब 19 लाख के करीबन जो वीडियो है चली हुई है। हाँ, तो फोन कॉल्स वगैरह बहुत ज्यादा, फोन कॉल सारे 2,70,000 रुपए काफी भाई कह रहे थे, रेट ज्यादा है, कितने में बेची आप ही बता दो। 2,65,000। 2,65,000 रुपए। कहाँ पे गई है वो? यूपी में गई है। यूपी में गई है। तो झोटी अच्छी थी? हाँ, और अच्छी पूरी बिड्डू झोटी थी। हाँ, जिसको फुल हाइट लेंथ की बोलते हैं वो थी वो। हाँ हाँ। हाँ। तो आज कितने पशुधन दिखा रहे हो? आज दो पशु भाई, दो झोटियां दिखाओगे। हाँ। एक फर्स्ट टाइमर है तो दूसरी सेकंड टाइमर, सेकंड टाइमर है। हाँ। उसी से शुरुआत कर लेते हैं जो आपके पीछे है, क्या कुछ जानकारी है एक बार बता दीजिएगा। ये भाई जी वैसे दोनों कल आई हैं ये। अच्छा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइमर है, ये फर्स्ट टाइमर है। हाँ, और आज 9वें दिन की ब्याई हुई है। 9वें दिन की ब्याई हुई है। हाँ, और है। आज दूध होगा इसमें 14-14.5 कह के देंगे हम। 14-14.5 लीटर के करीबन दूध है। हाँ, मैं 13 कह के दूंगा। ठीक है। हाँ। तो जीतू भाई दांतों की बात करें, दांतों में कैसे हैं? शायद 4 दांत होने चाहिए मेरे हिसाब से, देखो मैंने देखे नहीं है। अच्छा, काम का टाइम है जबरदस्त। ठीक है। कितने दिन की ब्याई होगी? आज 9वें दिन की ब्याई। 9वें दिन की ब्याई हुई, जबरदस्त अडर क्वालिटी, टीट स्पेसिंग आप देख लो, अडर है थानों के कूप नीचे से आप देख लो, पैरों के बीच का टाइट कसा कसा है जो अडर है, कसा कसा है जो लेवा है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अडर आप देखो, नीचे इसके कटड़ी है, कटड़ा 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 है। हाँ, फर्स्ट टाइमर के नीचे कटड़ा है। देखो जी, नीचे मेल काफ है और तरोताजा सूंड यानी के जो तांदवा है वो इस कटड़े के नीचे। और कितना दूध? 14.5 लीटर दूध है, लेकिन मैं 13 कह के दूंगा भाई। ठीक है। हाँ। लंबाई ऊंचाई पिट की जो चौड़ाई है वो आप देखो, अडर की क्वालिटी बेहतरीन अडर क्वालिटी में जो फर्स्ट टाइमर झोटी है वो आप सब पशुपालकों के सामने, खाने दाने में कैसी है? सुपर फास्ट है भाई जी, मेरे देखो कल आई है। हाँ। लेकिन कल और आज दो दिन में मतलब बहुत जबरदस्त खाने पीने की। ठीक है। हाँ। तो एक कॉम्पैक्ट साइज में पशुधन, प्योर मुर्रा के कैरेक्टर्स। आए ठीक से के ठीक से मारे तो एक महीना हो गया भैंस ने बेई ने, बेरा ने क्यों हो गया उसके तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तरह जेड दवाई दिया करे वह तू भी देख देख ले, ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं, सुनो ओके। हे बावली, देनु केल जेल दो भैंस ताई, दूध दे दूध और 24 घंटे में सर। देनु केल जेल? हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसीलिए देनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए। प्योर जेट ब्लैक तेल में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी तो जीतू भाई मेले वगैरह से भी लगेगी? हाँ, मेले से लगेगी, लगेगी। हाँ, मान के चलो आप 15.5-16 लीटर दूध आराम से निकाल, 15.5-16 लीटर दूध इसने देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, देखो उम्मीद तो ये है। तो मिल्किंग दोनों की दिखाओ? हाँ, दोनों की दिखा। ठीक है। तो दूसरे वाली झोटी इसकी क्या कुछ जानकारी? संदीप भाई साहब कहने को तो मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइमर कह लो, आप भी आए तो आपने यही कहा था जीतू दोनों फर्स्ट टाइमर। हाँ, हाँ, नहीं जी ये सेकंड टाइमर, सेकंड टाइमर। बहुत हाँ, बढ़िया। ठीक, झूठ बोलने क्या फायदा। तो ये भी प्योर जेट ब्लैक टेल में है। हाँ हाँ। ठीक है, कितने दिन की? ये आज 6-7 दिन की सुई है, 6-7 दिन की। हाँ, दूध की बात, इसमें दूध होगा आज 12-13 लीटर तैयार। अच्छा, लेकिन मैं तो 12 ही कह के दूंगा। इसके नीचे कटड़ी है। ठीक है। तो देखिएगा ये सेकंड टाइमर बफलो है, सींग है बिल्कुल छोटा, सींग माथे पे जमता हुआ, शराफत से भरपूर ठंडी जो झोटी है वो आपसे पशुपालकों के सामने, ये आप देखो।
छोटा जो कनीदार सींग है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। पैरों के बीच का टाइट अड्डर जबरदस्त टिट स्पेसिंग के साथ इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बात करें पीठ की चौड़ाई, पीठ की चौड़ाई आप देख लो, बेहतरीन पीठ की चौड़ाई। और नीचे इसके फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो ये कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? भाई साहब पीछे वाले ने रिपोर्ट बताई है कि 12-13 लीटर फर्स्ट टाइमर ने दे रखा। ठीक है, झूठ बोलने में कह दूंगा फर्स्ट टाइम 15 लीटर दे रखा है, अब के बाद 17 देगी जी। ठीक है हाँ। इसका कोई फायदा नहीं है जी भाई जी। ठीक है, 12-13 लीटर फर्स्ट टाइम दे रखा है जी, मेरे हिसाब से 14-15 लीटर दूध निकालना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, तो खाने पीने में ये कैसे? ये भी सुपर फास्ट है। तो बच्चे किसके हैं, कुछ आइडिया आपकी बार? भाई साहब HLDB के हैं दोनों बच्चे। हाँ, दोनों HLDB के हैं। ठीक है, तो बाल्टी वगैरह ले आओ, बच्चा छोड़ो और एक बार दूध देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो जी दोनों झोटियों की जो मिल्किंग है वो आप सब पशु पालकों को दिखा रहे हैं। और एक ही रिक्वेस्ट, फिर से एक ही गुजारिश है, एक फर्स्ट टाइमर झोटी है, एक सेकंड टाइमर, इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना माने। पशुधन को खुद आए, देखे जाचे परखे और फिर लेकर के जाएं। एक के नीचे मेल काफ आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरे के नीचे हेल्दी फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक जो मिल्किंग है, समय के ऊपर जो मिल्किंग है करा रहे हैं। एक बार टाइम डेट और नोट करवा देता हूँ, ये टाइम डेट आप देख लो, 5:26, 14 अक्टूबर का जो दिन है, शाम के समय जो वीडियो कवर कर रहे हैं। तो जीतू भाई सुबह किस टाइम दूध निकाला था इसका? ये 5:30 बजे के करीबन दूध निकालते हैं, तो यानी कि वही टाइमिंग है 5:15 और 5:30 की। तो कोई भी भाई इस मिल्किंग को फाइनल ना मानो, खुद आएँ पशुधन को देख जाँच परख करके लेकर के जाएँ। तो ये देखो जी जबरदस्त जो थनों का पोसाव है फर्स्ट टाइमर झोटी में, चारों जो मजबूत थनों के कूप हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल बराबर जबरदस्त जो टिट स्पेसिंग के साथ ठंड है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। शराफत से भरपूर ठंडी जो फर्स्ट टाइमर झोटी है वो आप सब पशुपालकों के बीच में, ये आप देखिए। तो जीतू भाई खाली बाल्टी एक बार दिखा दो, ये खाली बाल्टी आप देख लो, अंदर से और दिखाए करो। हाँ ऐसे, अगले दोनों थनों की धार मार के दिखा दो, फिर पीछे वाड़ो। पीछे वाले थनों की ओर धार मार के दिखा, ये देखो जी सटीक जो चुवाई है वो। और ये जो बफलो है इसके नीचे भी जो थनों का पोसाव सेकंड टाइमर झोटी है ये आप देख सकते हो, तो मजबूत डेवलप जो थनों के कूप हैं वो। और एक बार इसकी भी जो धार चुवाई है दिखा देते हैं, तो काफ़ी अच्छा पशु, काफ़ी अच्छे जो पशुपालक। खाली बाल्टी मौसम भाई, ठीक है, अगले दोनों थनों की धार दिखा दो, फिर पीछे वाला, ये देखो पीछे वालों की ओर, ये देखिएगा खुली चुवाई है, बिल्कुल खुली भाई, खुली चुवाई। 2 साल का बच्चा निकालो, 100 साल का बुढ़ा निकालो, ये देखो जी फर्स्ट टाइमर झोटी, आराम से जो दूध है वो पशुपालक है वो निकाल रहे हैं। निकलवा दो जी, कोई बात नहीं, ये देखो। तो हमारा काम है पशु पालकों को एक समय की जो मिल्किंग है वो दिखाने का। आप लोगों का कई काम है कि जब इतनी पूंजी, इतनी जब कीमत लगाते हो तो खुद आकर के पशुधन को देख जांच परख करके ले जाओ, इससे बेटर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अच्छी अच्छी भैंसे भाई ने निकाल निकाल करके दी। इस फार्म की एक खास बात शुरू से लास्ट तक रही है, मैं कहूँगा जितना भी पशुधन, जितनी भी झोटियाँ इन्होंने दी हैं, हमेशा भरोसे का प्रतीक, भरोसे की जो जगह है पशुपालकों के बीच में रही है। और फिर आज मैं कहूँगा अच्छा सिलेक्शन भाई के फार्म से निकल करके आ रहे हैं।
तो सुरीली जो धारों की आवाज़ है वो आप लोग सुन पा रहे हो यहाँ पे, और बाल्टी में गिरता हुआ जो दूध है काफ़ी अच्छी जो आवाज़ है वो, और काफ़ी अच्छी जो धार जुआई की दोनों चोटियाँ हैं। तो देखिएगा एक जो बफलो है उसकी मिल्किंग हो चुकी है भाई, यहीं रख लो मौसम भाई साहब, यहीं रख लो, ज़्यादा दूर ना ले जाओ। हाँ, और माप दो इसको आराम से, तब तक खाली बाल्टी दिखा दो पहले, ये देखो जी, ठीक है, दो तीन बार पलट दो, एक बार और कर, ठीक है भाई साहब, माफ खाली नाप, ठीक है, एक दो तीन, बर्तन मंगवा लो ना, हाँ हाथ से उठा के डाल दो, ये ठीक है, चार पांच, और ये देखो जी लगभग लगभग छः के करीबन है। तो जो दूध है दूसरे वाली जोटी है उसका भी आ चुका है, अब यहाँ पे देखिएगा तो उसका भी एक बार माप तोल करके दिखा देंगे। सबसे पहले खाली बाल्टी दिखा दो जीतू भाई, दूसरे वाली, छः डब्बों के करीबन जो सेकंड टाइमर जोटी है उसका दूध, और ये खाली बाल्टी एक बार दिखा दो, खाली बाल्टी अच्छे से, ये देखो जी, ठीक है, माप दो, पलट दो पहले दो तीन बार ना। तो ये फर्स्ट टाइमर जोटी है उसका जो दूध है आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, और दोनों के नीचे जो बच्चे हैं अभी भी दूध पी रहे हैं, बच्चे आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए नहीं छोड़ा भाइयों ने। तो इसका भी एक बार दूध है वो एक बार और दिखा देते हैं, ठीक है जीतू भाई, भर दो और मारूं, माप दे माप दे, खाली लीटर, ठीक है, हाँ, एक
दो तीन चार पांच छः और ये देखो भाई ने 14 लीटर के करीबन दूध बताया था, उतना ही है। और छोटी के नीचे जो काफ है अभी भी दूध पी रहा है, आप यहाँ पे देखो दूसरे वाले के नीचे झूठ क्यों बोल रहा है हंदी भाई साहब, ये बताओ। एक लीटर पहले कम बता देंगे, ठीक बात है। 14 है तैयार, लेकिन मैं 13 ही कह के दूंगा भाई जी। ठीक है और उसमें 12-13 है, मैं 12 ही कह के दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बात कर लेते हैं कीमत मोल भाव जीतू भाई, अब दोनों झोटियाँ काफी अच्छी है। फर्स्ट टाइम देख लो, तो हडर का झड़ाव देख लो, पीछे वाले थन में दूध बच गया मेरे हिसाब से, एक बार इसको बच्चे को पिला दो, है ना। कोई बात नहीं, जाएगा दोबारा लेने दे। ठीक है, कोई तो बात। इसका फर्स्ट टाइमर झोटी का क्या कुछ मूल भाव करोगे? झोटी ऐसी दे दूंगा भाई जी, मतलब इस भाव में जो कह रहे हैं ना, कि मतलब जो कमेंट कर रहे थे वैसे वो कह रहे थे, मतलब बिन रेट के बिन दूध के कोई वीडियो नहीं मानता। ठीक बात है, ठीक है। 1,22,000 रुपए की दे दूंगा झोटी जी, और कोई 15 किलो दूध की दे देना 1,22,000 रुपए की, तो बता देना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रेट किया 1,22,000 रुपए। बात करें सेकंड टाइमर झोटी, सबसे पहले अडर का जो झड़ाव है, झड़ाव देखो सेकंड टाइमर का। ठीक है, क्या कुछ कीमत है? ये दे दूंगा 1,20,000 रुपए की। 1,20,000 रुपए की, हाँ। तो दोनों के 2,42,000 रुपए हो गए, हाँ। और अगर कोई इकट्ठी मंगवाए तो किराए वाली स्कीम कुछ? दोनों इकट्ठी मंगवाएगा तो मतलब एक साइड का किराया माफ, 2,42,000 रुपए लगेंगे, लेकिन एक साइड का किराया माफ। अच्छा, हाँ ठीक है, कहीं ले जाओ तो लगभग लगभग 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक का फ्री किराया। हाँ, फ्री किराया एक साइड का, एक साइड का। हाँ, जैसे मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे घर से मतलब गुड़गांव लगा लो, गुड़गांव 400 किलोमीटर, तो एक साइड का 400 किलोमीटर फ्री है। अच्छा। एक साइड का 400 किलोमीटर का अगला किराया दे देगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप ये भी कह सकते हो 200 किलोमीटर जाना 200 आना, हाँ, वो भी ठीक रहेगा। हाँ, वो भी ठीक है, 200 किलोमीटर आना 200 जाना, 400 किलोमीटर का किराया फ्री, लेकिन रेट 2,42,000, 2,42,000 रुपए दोनों झोटिया अगर कोई दोनों इकट्ठी लेगा तो। ठीक है भाई सब, हाँ बढ़िया। तो देखो भाई ने आज भी कोई कमी नहीं छोड़ी, ना रेट में ना पशुधन के सिलेक्शन में, दोनों झोटियाँ काफी अच्छी हैं और आज के दिन भाई टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस एरिया से। काफी अच्छा अच्छा पशुधन ला करके पशुपालकों के बीच उतारते हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के गांव कुडाना से थी, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।